Hello students, let's see this question. The question says the number of angular nodes in px orbital is 1, 2, 3, 0. दो टाइप के नोड्स होते हैं. नोड्स एक्चुअली वो पॉइंट होता है या वो प्लेन होता है, नोडल प्लेन भी कह सकते हैं, या वो प्लेन होता है जो उस पॉइंट को कैरी करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो होती है. ठीक है, सो हमारे पास दो टाइप के नोड्स होते हैं. एक तो होता है रेडियल नोड, जो डिस्टेंस रेडियस पर डिपेंड करता है, और एक होता है एंगुलर नोड जो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है. रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमिथल क्वांटम नंबर, और एंगुलर नोड निकालते हैं सिंपली एल से. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एंगुलर नोड पूछा है किसमें, पी एक्स में. ठीक है, तो एंगुलर नोड पी एक्स के लिए निकालना है. तो हमें पता है पी एक्स जो ऑर्बिटल है इसके लिए एल वैल्यू क्या होती है, वन होती है. तो अगर L वैल्यू 1 है तो इसमें एंगुलर नोड भी कितना होगा, 1. सो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. सो लेट्स से कि अगर ये हमारा ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, तो आपका जो पी एक्स ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होगी, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर नोड इसका. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.